ओके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. बोर्ड साफ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। ओके आज जो हम लोग दर्स पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यकीनन बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप जब भी कोई जबान बोलते हैं आपको अदद की जरूरत पड़ती है, गिनती की। मिसाल के तौर पर आपको बताना है कि ये चीज एक है, दो है, तीन है, चार है। तो जो अदद होता है यानी जो गिनती होती है, आज उसका कुछ हिस्सा हम लोग इस दर्स में पढ़ेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो दो अदद मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है, वाहिदुन और इस्नाने। वाहिदुन और इस्नाने, वाहिदुन के माना है एक, इस्नाने का माना है दो। किताबुन वाहिदुन यानी एक किताब, किताबाने इस्नाने यानी दो किताब। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किताबुन में जो तनवीन है वो यहाँ पर वाहिदुन का काम कर दे रही है। ये जो तनवीन है ये इस वाहिदुन का काम कर दे रही है। अगर हम वाहिदुन ना भी लाएं तब भी हमको समझ में आ जाएगा किताबुन या किताबन या किताबिन बोला जा रहा है, मतलब ये कि एक किताब। किताबाने इस्नाने, हम लोगों ने पढ़ा तस्निया, हम डुअल जो फॉर्म बनाते हैं अलिफ और नून ऐड करके बनाते हैं। किताब किताबुन से हमने क्या बनाया, अलिफ और नून ऐड करके किताबाने। तो यहाँ पर भी अलिफ और नून जो है वो यहाँ पर इस्नाने का काम कर दे रहा है। तो उमूमन हमें वाहिदुन यूज करने की जरूरत नहीं होती और ना ही इस्नाने यूज करने की जरूरत होती है। हाँ, हम ताकीद के लिए यूज कर सकते हैं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए या किसी भी और वजह से, किसी को खास को तवज्जो दिलानी हो, यानी इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन यूजली ये यूज नहीं किया जाता क्योंकि तनवीन यहाँ पर पहली मिसाल में वाहिदुन का काम कर रही है और यहाँ पर अलिफ और नून जो डुअल फॉर्म है तस्निया का वो यहाँ पर इस्नाने का काम कर रहा है। बात यहाँ तक वाजे हो गई? जी सर। ओके अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। सलासतो रिजालिन अरबातो अबनाइन खमसतो बुयूतिन। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि जो चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। कोई बता सकता है कि कौन सी ऐसी बहुत मशहूर सी चीज है जो हम लोगों ने पढ़ी है जिसका यूज यहाँ पर हुआ है? सलासतो रिजालिन अरबातो अबनाइन। जी अहसन, तो मुजाफ मुजाफुन अले। इससे जो पहली वाली दो मिसालें थी ना, किताबुन वाहिदुन और किताबाने इस्नाने, वहां पर मैंने बताया कि वाहिदुन या इस्नाने की जरूरत उमूमन पड़ती नहीं है, लेकिन अगर वो जब भी आते हैं यानी किताबुन वाहिदुन तो वो एज एडजेक्टिव आएंगे, किताबुन वाहिदुन एक किताब, या किताबाने इस्नाने तो वहां पर वो एडजेक्टिव की सूरत में आ रहे थे, बट यहाँ पर ये मुजाफ और मुजाफुन अले की सूरत में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ,
यहाँ पर दो चीज है, ये तीनों मिसाल में दो चीजें पाई जा रही, बहुत गौर से सुनिएगा, सलासतो अरबातो खमसतो, ये तीनों चीजें हो गई अदद। ओके, अदद यानी गिनती आप जो बता रही हैं, इन तीनों चीजों को क्या कहते हैं हम, अदद कहते हैं, अदद यानी शुमारा यानी गिनती। उसके बाद दूसरी चीज जो आ रही है उसको आप तमीज कह सकते हैं, यानी ये बता रही कि किस चीज के बारे में, सलासतो यानी तीन, क्या तीन, तो बताया कि सलासतो रिजालिन यानी तीन मर्द, अरबातो अरबातो यानी क्या चार, अरबातो यानी चार, खमसतो यानी पांच, अरबातो चार, क्या चार, अबना इन चार बेटे, खमसतो पांच, क्या पांच, बयूतिन पांच घर। यहाँ पर आप लोग गौर फरमाएं तो ये चूंकि मुजाफ माना गया है, यहाँ तीनों मिसालों में जितनी अदद है यहाँ पर सलासतो अरबातो खमसतो, ये सब मुजाफ है अपने माँ बाप की तरफ, तो लिहाजा वो नाउन जो इसके बाद आ रहा है चाहे वो रिजालिन हो या अबनाइन हो या बयूतिन हो, उसके आखिर में जैसा कि बताया किसी ने, उसके आखिर में हमें मजरूर यानी महसूस हो रहा है, हमें आखिर में इसको देखने को मिल रहा है कि जर की हालत में, तो ये जर की हालत में ये तीनों नाउन इसलिए हैं क्योंकि ये मुजाफुन इलैह वाक़े हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग कि हम लोगों ने सलासतो अरबातो और खमसतो यहाँ पर इसको ता के साथ पढ़ा है, ठीक है, यानी मुअन्नस पढ़ा है, सलासतो अरबातो खमसतो। नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हमें ये चीज याद करने की जरूरत पड़ेगी कि हमने यहाँ पर रिजालिन अबनाइन बयूतिन ये सारे वर्ड जो है वो मैस्कुलाइन के हैं। मैस्कुलाइन में मैं बता देता हूँ अभी इशारे के तौर पर, मैस्कुलाइन में बिल्कुल उल्टा होता है, तो जो मैस्कुलाइन वर्ड्स हैं, जो मैस्कुलाइन वर्ड्स हैं उसके लिए जो आएंगे वो फेमिनाइन अदद आएगी। रिजाल रजुल का प्लूरल है, अबना बनू इब्न का प्लूरल है, बयूत बैत का प्लूरल है, इन तमाम में जितने वर्ड्स हैं वो सब सब के सब मैस्कुलाइन है, लिहाजा इसके लिए उल्टा जो अदद आया है वो उल्टी आई है, क्या मतलब जितने मैस्कुलाइन है उन सब के लिए फेमिनाइन आया है, तो फेमिनाइन वाली बात हम लोग इंशाल्लाह आगे दर्स में पढ़ेंगे, मैं चाह रहा था बस इशारा कर दूं। मैं आगे बढ़ू अब, बात वाज़े? जी मौलाना, क्या आपने कुछ फेमिनाइन के लिए बोला वो समझ में नहीं आया, फेमिनाइन के लिए उसका उसकी तफसील में अभी नहीं जाना है, उसका उसमें अभी तफसील में नहीं जाना, मैंने जितनी बात अभी बताई है बस वो इशारे के तौर पे बताई थी, आगे वो डिटेल्स में आएगी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। okay. याद रखिए कि मैस्कुलाइन में उल्टा है, फेमिनाइन का जब वक्त आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, अब जरा आप इन तीन मिसालों में गौर कीजिए, यहां पर जो अदद आई है, खरजा सलासतो तुल्लाबिन, तीन स्टूडेंट निकले, ठीक है, एग्जिट किया उन्होंने, वेंट आउट, खरजा सलासतो तुल्लाबिन, तीन स्टूडेंट निकले, यहां पर सलासतो आखिर में क्या है, पेश है, ओके, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट वाक्य हो रहा है, तो खरजा। आप इस मिसाल को पेश करने का मकसद यह है कि अदद जो है वो उस जुमले में जो चीज भी वाकई हो रही है, यानी उसके पहले जो भी आ रहा है वो उसके एतबार से उसका जबर जेर पेश चेंज हो सकता है, ठीक। खरजा सलासतो सलासतो तुल्लाबिन, तीन लड़के निकले, फी अरबाते बुयूतिन, यहाँ पर अरबाते, यहाँ पर आखिर में जो सा है उसके नीचे जेर आ गया, क्यों जेर क्यों आ गया कोई बता सकता है? क्योंकि हरफे जर आया है। ओके, हरफे जर आया, संत मेन प्रीपोजिशन के बाद आया है। अब आखिरी वाली मिसाल, रई तो खमसता रिजालन, रिजालिन,
राई तो खमसता रिजालिन, यहाँ पर खमसता पर ता पर आखिर में जबर है, ये कोई बता सकता है कि आखिर में जबर क्यों है? एक ही चीज बताई गई है उमूमन मेरे जरिए से, वही चीज यहाँ पर हो रही है, अगर किसी को याद है तो बता सकता है। राई तो मींस राई तो यानी मैंने देखा, जरा सा भी किसी के जहन में, मैं चाह रहा हूं कि कोशिश करें। हाँ मैंने एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मंसूब होता है हमेशा, कई दफा क्योंकि इस तरह की बात चली थी तो मैंने वहां पर जिक्र किया था। यहाँ पर खरजा सलासतुल्लाबिन, ये सलासतुल्लाबिन जो थे वो सब्जेक्ट थे, वो निकल रहे थे, वो निकलने वाले थे, तो खरजा का सब्जेक्ट ये सलासतुल्लाबिन थे, तो लिहाजा ये मरफू है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आया है, लिहाजा इसके आखिर में जर है, ये जर की हालत में आखिर में जेर है। यहाँ पर राई तो मैंने देखा, अब मैंने क्या देखा, खमसता रिजालिन, पांच आदमियों को देखा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा खमसता जो है उसके आखिर में जबर है। तो इस पूरी तीन मिसालों को लिखने का मकसद ये था कि खुद जो अदद है, यानी जो सलासा या अरबा या खमसा, ये जो अदद है वो अदद अपने पहले के एतबार से और इस एतबार से कि जुमले में उनका रोल क्या हो रहा है सेंटेंस में, उसके एतबार से उनके आखिर में जो जबर जेर पेश है वो चेंज हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस जी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक आखिरी बात, कम समनो हादल किताब, यानी इस किताब की कीमत कितनी है, कम समनो हादल किताब, इस किताब की कीमत कितनी है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कम के बाद जो नाउन आता है वो मंसूब होता है, राइट, याद है आप लोगों को, यानी उस पे उसके आखिर में जबर या डबल जबर देखने को मिलता है। हाँ। ओके यहाँ पर आखिर में क्या है? ओके ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है या मैं बताऊं? गौर से देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज है जो है मौजूद नहीं है, यानी गायब है। असल इबारत यूं थी, यानी जहां पर भी आपको इस तरीके से देखने मिले कम के बाद समन का जिक्र आ जाए और उस पर पेश हो, तो असल इबारत उसकी यूं होती है, कम रियालन समन हाजल किताब, या रियाल तो यहाँ पर मजकूर है, आप यहाँ पर जो भी करेंसी है उस तरह के वर्ड्स को जो कि मंसूब हालत में हो, आप ये कहेंगे वहां पर वो पोशीदा है, उसके बाद से जो इबारत है वो उसके बाद से शुरू हो रही है, यानी कम समनो हाजल किताब का मतलब मिसाल के तौर पर कम रियालन समनो हाजल किताब, तो इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कि कम के बाद यहाँ पर समनों पर पेश क्यों आ गया, तो असल में एक लफ्ज है जो यहाँ पर पोशीदा, चाहे वो रियाल या किसी करेंसी की शक्ल में हो, उसके बाद ये जुमला शुरू होता है कि समनो हाजल किताब। वाज़े ये बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि बात थी लिहाजा मैंने चाहा बयान कर दूं। आइए जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है देखते हैं दर्स में उसको किस तरीके से निकाल पाते हैं। आसिम साहब आप अगर शेयर कर रहे हैं किताब तो प्लीज। जी आबिस नहीं है आज। ओके ओके तो मैं शेयर करूं? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, अगर नेटवर्क खराब होगा तो फिर मैं कर लूंगा। ओके ओके शुरू किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع عشر درس نمبر 19 المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ कम यानी कितने, देखिए यहाँ पर तालिबन है कम के बाद, कम तालिबन जदीदन कितने नए स्टूडेंट्स हैं, फी फसले का या शेख आपके क्लास में, ए शेख यानी टीचर से बात कर रहे हैं, अल मुदर्रिस मुदर्रिस जवाब दे रहा है, टीचर जवाब दे रहा है, फी है अशरतो तुल्लाबिन, फी है अशरतो तुल्लाबिन, इसमें कितने लोग हैं, अशरतो यानी दस, ठीक
सलासतो यानी तीन, अरबातो यानी चार, खमसतो यानी पांच, सित्ततो यानी छः, सबअतो यानी सात, समानियतो यानी आठ, तिसअतो यानी नौ, अशरतो यानी दस। तकरीबन इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम लोग उसको वहां पर देख सकते हैं। फिर भी मुश्किल होगी तो मैं लास्ट में यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आप लोग उसे याद कर लें अगर मुश्किल हो रही पढ़ने में। ओके, फी है अशरतो तुल्लाबिन, क्योंकि यहाँ पर तुल्लाब है, तालिब का प्लूरल है, लिहाजा आप क्या लाए हैं, आप आखिर में अशरो नहीं लाए हैं, अशरतो लाए हैं। ओके, फी है अशरतो तुल्लाबिन जुदुद, यहाँ यानी इस क्लास में 10 न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ा है कि जब नाउन जो है वो अगर मैस्कुलाइन है, जो इस मिसाल में हम लोग इस पूरे दर्स में पढ़ने वाले हैं, नाउन अगर मैस्कुलाइन है तो उससे पहले जो हम अदद लेकर के आ रहे हैं वो फेमिनाइन लाएंगे। आप देखिए यहाँ तमाम अदद में इस लेसन में आपको आखिर में ता नजर आएगी। पी है अशरतो तुल्लाबिन जुदुद, यहाँ 10 नए बच्चे हैं। अल मुदीर मिन आईना हम, मिन आईना हम, वो बच्चे कहाँ से हैं यानी किस जगह से हैं। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिद, क्या सब के सब एक ही मुल्क से हैं, एक ही कंट्री से हैं। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस जवाब दे रहे हैं, ला नहीं, हम मिन बिलादिन मुख्तलिफा, वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं। मिन हम सलासतो तुल्लाबिन, देखिए सलासतो आया है तुल्लाबिन, तालिब का प्लूरल है तुल्लाब, लिहाजा सलासतो आया है, सलासो नहीं आया। मिन हम सलासतो तुल्लाबिन मिनल फिलिपिन, उसमें से 10 जो मैंने बताए हैं उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं कि जो फिलिपिन से हैं। व अरबातो तुल्लाबिन मिनल यापान, यहाँ भी अरबातो, और 4 बच्चे जापान से हैं। व तालिबान मिनल सीन, तालिबाने का मतलब कौन बताएगा, कोई है हाथ उठा सकता है अपना? ओके, आरजू फातिमा। दो स्टूडेंट्स मैस्कुलाइन। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है तालिबाने तस्निया बनाने का, डुअल बनाने का कायदा है कि अलिफ और नून आखिर में ऐड कर देते हैं, तालिबुन से तालिबाने। वह तालिबाने, अब देखिए यहाँ पर इस्नाने जिक्र नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, अगर जिक्र करेंगे तो गलत नहीं होगा बट वो सिफत बन जाएगी और ऑलरेडी वो बात वाजे है तो हमको उसको वजाहत करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कम इस तरीके से होता है कि ताकीद के लिए जिक्र किया जाए। वह तालिबाने मिन सीन, और 2 स्टूडेंट चाइना से हैं। वह तालिबुन वाहिदुन मिन मलेशिया, और सिर्फ 1 स्टूडेंट है जो मलेशिया से है। अल मुदीर, मुदीर अफीफस ले का तुल्लाबुन मिन अमरीका, क्या तुम्हारी क्लास में अमेरिका से कोई है, कोई स्टूडेंट अमेरिका से है। अल मुदर्रिस टीचर, नाम यस, फी है सब अतो तुल्लाबिन मिन अमरीका, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अमेरिका से हैं। अब यहाँ पर भी सब अतो आया है, आप देखें अदद जो आई है वो फेमिनाइन आई है जबकि तुल्लाब तालिब का प्लूरल है जो कि मैस्कुलाइन है। ओके, बस इस पर गौर रखना है, हम लोगों को गौर करना है। अल मुदीर अहम जुदुद, क्या वो सब के सब न्यू हैं। अल मुदर्रिस ला हम कोदामा, हम कोदामा नहीं बल्कि वो पुराने हैं। ठीक, कोदामा कदीम का प्लूरल है, कदीम कदीम यानी, हाँ जी जी, कदीम यानी ओल्ड पुराने, तो कोदामा उसी का प्लूरल है। अल मुदीर कम तालिबन फी है मिन उरुब्बा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ बोलना नहीं है, वो म्यूट करने आवाज आ रही है, हाँ जब बोलना हो तो आप लोग बोल लें। अल मुदीर कम तालिबन फी है मिन उरुब्बा, कितने स्टूडेंट्स यूरोप से हैं। अल मुदर्रिस टीचर फी है खमसतो तुल्लाबिन मिन इंकल्तर्रा, इसमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इंग्लैंड से हैं। व समानियतो तुल्लाबिन, देखिए खमसतो समानियतो, ओके आखिर में ताता गौर कीजिए, व समानियतो तुल्लाबिन मिन अल्मानिया, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जर्मनी से हैं। व सित्ततो तुल्लाबिन मिन फ्रेंसा, और 6 स्टूडेंट, सित्ततो यानी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मिन फ्रेंसा, जो फ्रांस से हैं। व तिसअतो, तिसअतो यानी 8, हाँ मोहम्मद कोई कुछ पूछना चाह रहा है, हाथ उठाया आपने, पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, शो नहीं कर रहा है, तो किसी ने हाथ बुलंद किया था कुछ सवाल करने के लिए? नहीं लग रहा है मुझे, मनाना। ओके ठीक है, वतिस अतो यानी 9, वतिस अतो तुल्लाबिन मिन बोस्निया, और 9 स्टूडेंट बोस्निया से हैं। अल मुदीर, बात यहां तक समझ में आ गई? ओके, अल मुदीर शुक्रन या शेख, मुदीर यानी प्रिंसिपल शुक्रिया अदा कर रहे हैं टीचर का, या शेख कह करके एहतराम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुखातब करने के लिए, शुक्रन या शेख, शुक्रिया ए शेख। आगे चले हम लोग,
अब यहाँ से तमरीने शुरू हैं, आप लोग गौर फरमाना शुरू करें। इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। सलासतुल्लाबिन, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले मादूद पढ़ लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया एक होता है अदद, एक होता है मादूद। अदद यानी वो गिनती, जैसे सलासतो, अरबातो, खमसतो, सित्तत, ये सब अदद है यानी गिनती है, फिगर एग्जैक्टली क्या कितनी थी। तो वो अदद को क्या कहते हैं हम लोग, अदद को अदद कहते हैं अरबी में, यानी गिनती को अदद कहते हैं। अब जो दूसरा नाउन उसके बाद आया उसको मादूद कहते हैं। मादूद यानी जिसकी अदद बयान की जा रही है। ओके, तो पहले हम मादूद पढ़ लेते हैं। मादूद वो नाउन जो अदद के बाद आता है। तो मादूद हम सारे पढ़ लेते हैं पहले। तुल्लाब, 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 माशाल्लाह से सारे तुल्लाबी हैं, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सलासतुल्लाबिन, अरबातुल्लाबिन, खमसतुल्लाबिन, सित्तुल्लाबिन, सबअतुल्लाबिन, समानियतुल्लाबिन, तिसअतुल्लाबिन, अशरतुल्लाबिन। सलासा यानी तीन, अरबा यानी अरबातो यानी चार, खमसतो यानी पांच, सित्तो यानी छः, सबअतो यानी सात, समानियतो यानी आठ, तिसअतो यानी नौ, अशरतो यानी दस। तो ये अब देखें गौर इस पर, ये करें कि उसके बाद जो तुल्लाब आया है वो तुल्लाब आखिर में डबल जेर के साथ है, इसका मतलब है कि वो मुजाफ होने लिए वाकई हो रहा है। बात यहाँ तक वाज़े? वन और टू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। यानी आप चाहो तो वाहिद बोलो, इस्नाने बोलो, न बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किताबुन कह रहे हैं तब भी समझ में आ रहा है कि किताबुन वाहिद। इस आप किताबाने कह रहे हैं तब भी आप समझ में आ रहा है कि किताबाने इस्नाने, दो किताबें। सॉरी, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहले वाले एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ, डायरेक्ट थर्ड नंबर से शुरू हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया है ना, वो नंबर उन्होंने दिखाया है, थर्ड से शुरू हो रहा है। सलासतुतुल्लाब यानी थर्ड नंबर उसके पास में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा। हाँ हाँ, इसलिए थर्ड लिखा है कि वहाँ पर एक और दो की बात नहीं चल रही है, और आपको लिखा इसलिए ताकि आप समझ सके कि सलासतो का मतलब तीन होता है और बातों का मतलब चार होता है। बात समझ में आ रही है? वो माना है सलासतो, अरबातो, खमसतो, सित्तो, इन सब का माना मतलब एग्जैक्टली उसको क्या समझेंगे। okay. तो आप सलासतो को तीन अलग से लिख दिया नंबर में, ठीक है? हाँ मौलाना, समझ गए। ओके, शुक्रिया। इकरा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। आगे आते हैं। इन्दी खमसतो कुतबिन व सलासतो अकलामिन, मेरे पास पांच किताबें और तीन पेन है, ठीक है? खमसतो कुतबिन सलासतो अकलामिन। खालिदुन लहु सित्ततु अबना, खालिद के कितने बेटे हैं? सित्ततु अबना, सित्ततु का मतलब कोई बताएगा? सिक्स। हाँ ओके, छह बेटे हैं। कम अखन लका या आमिना, ऐ आमिना तुम्हारे कितने भाई हैं? ली अरबातो इख्वतिन, ली अरबातो इख्वतिन, मेरे चार भाई हैं। फिल उस्बू, अब देखिए तमाम जो जितने मादूद आ रहे हैं, जितने नाउन आ रहे हैं अदद के बाद, वो सब के सब या मैं कह नहीं, इस लेसन में इतना याद रखिएगा, ठीक? सेमिनाइन का हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन में हम लोग उल्टा कर रहे हैं, अदद को बिल्कुल उसके अपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैस्कुलाइन है तो हम लोग अदद को सेमिनाइन ला रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिल उस्बू ए सब अतो अयामिन, फिल उस्बू ए सब अतो अयामिन, हफ्ते में सात दिन होते हैं। कम रियालन इन दकल आन या अम्मार, ए अम्मार तुम्हारे पास अभी कितने रियाल हैं? इन दी अल आन समानियतो रियालात, मेरे पास अभी आठ रियाल हैं। फी हाजल हय्ये तिस अतो बयूतिन जदीदतिन, इस जिले में अभी नए नौ नए घर हैं, इस जिले में अभी नौ नए घर हैं, तिस आ यानी नौ। लिहाज ही सैयारा, इस कार के लिए अरबा तो अबवाबिन, चार गेट है, यानी इस कार में चार गेट हैं, दरवाजे हैं, डोर हैं, सॉरी। लिहाज ही सैयारा अरबा तो अबवाबिन, ये पढ़ चुके हैं। कम समनो हाजल किताब, कम समनो हाजल किताब, वो बात आ गई। अब समनो है कम के बाद, यहाँ पर रियालो पोशीदा है। कम रियालन समनो हाजल किताब, यानी इस किताब की कीमत कितनी है, यानी कितने रियाल है, कितने डॉलर है, कितने रुपया है, कितने पाउंड से कुछ भी। समन हूँ सब अतो रियालात इन वनिस, इसकी जो कीमत है वो साढ़े सात रियाल है। सब अतो यानी सात, रियालात यानी रियाल, वनिस यानी आधा, यानी आधा रियाल, सात रियाल और आधा रियाल यानी साढ़े सात रियाल। फी हाजल फसल, इस क्लास में अशरतो तुल्लाबिन, दस तुल्लाब हैं, कौन से? कदमा, दस पुराने तुल्लाब हैं। व अरबातो तुल्लाबिन जुदूद, और चार नए स्टूडेंट्स हैं।
कम कमीसन इन द कया इब्राहिम, ए इब्राहिम तुम्हारे पास नई शर्ट कितनी है? इन दी समानिया तो कमसा, मेरे पास 8 नई शर्ट्स हैं। इन दी रियाला ने व खमसा तो खुरूश, मेरे पास एक 2 रियाल हैं, रियालान रियाल यानी 1 रियाल, रियालान यानी 2 रियाल, मेरे पास 2 रियाल हैं, व खमसा तो खुरूश या आधा रियाल है। पुरुष कहते हैं 1/10 को, यानी 10 हिस्से करें अगर 1 रियाल का तो वो एक पुरुष बनेगा, तो 10 यानी आधा हिस्सा बन जाएगा वो, तो खमसा तो खुरूश यानी और आधा रियाल है, यानी मिला जुला करके मेरे पास 2.5 रियाल हो गए। फी हाज़िल हाफिला अशरतो रुकाब, इस बस में, हाफिला कहते हैं बस को, इस बस में 10 पैसेंजर्स हैं, रुकाब यानी पैसेंजर्स सफर करने वाले, सवार जिसे कहते हैं, इसका सिंगुलर राकिब है, राकिब यानी सवार। अजीब अनिल असलतिल आतिया मुस्तअमिलन अल अदद अल मज़कूरा अमामहा, जो आपको अदद साइड में बताए जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, आपको वो अदद यूज करना है और आपको जवाब देना है। मिसाल के तौर पर कम किताबन इंदक, तुम्हारे पास कितनी किताब है? हमारा साइड में 3 लिखा हुआ है, अरबी में अदद लिखी हुई है, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी तो मैं हेल्प कर दूंगा उसके लिए। कम किताबन इंदक, तुम्हारे पास कितनी किताब है? तो वहाँ साइड में 3 लिखा है, तो आपने जवाब क्या दिया? इन दी सलासतो कुतुबिन, मेरे पास 3 किताब है। तो जो अदद लेफ्ट साइड पर है उसको आपको देख करके जवाब बनाना है। तब हम लोग पूछते हैं, आसिम साहब आप मौजूद हैं? जी मौलाना। ओके, नाम लीजिए किसी का। ओके, शुरू करते हैं निदा फातिमा से। ओके जी, निदा फातिमा। कम अखन लका या हामिद, जवाब में आपको 5 बोलना है। आप सपोज कि आप हामिद हैं और आपसे सवाल किया जा रहा है, कम अखन लका या हामिद, ए हामिद तुम्हारे कितने भाई हैं? निदा फातिमा से पूछा गया, निदा फातिमा है इन, आपको इन एक बात याद रखना है कि आपको सबका प्लूरल बना देना है, क्योंकि जितने भी मादूद हैं और अदद हैं उन सबको प्लूरल बनाना है, क्योंकि सब 3 से ज्यादा हैं, 3 से कम कोई भी नहीं है। तो हम से तो अखुन का प्लूरल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ, इख्वतुन भी कह सकते हैं और अखवान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ली खम सतो इख्वतिन, यानी मेरे 5 भाई हैं। ओके, दूसरा सवाल, कम अमन लका या लैला, अर्जु फातिमा से पूछते हैं, जिसको जवाब देना है वो हाथ उठाएगा प्लीज। ओके, कम अमन लका या लैला, आपको जवाब में 4 बोलना है, यानी तुम्हारे कितने चचा हैं, तो आपको बताना है कि 4 चचा हैं। आरजू फातिमा जी, कम अम्मा लका या लैला, ली अम्माम, ली अदद लाइए उसके बाद। सॉरी, मुझे कुछ ईयरफोन प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सॉरी। ओके ठीक, ओके कोई बात नहीं, किसी और के पूछ लेते हैं। आपको पहले, सबसे पहले सब लोगों को ख्याल ये करना है कि जितने वर्ड्स होंगे यहाँ पर वो सब सिंगुलर होंगे, आपको उनको प्लूरल बनाना होगा जवाब में, क्योंकि जो अदद आ रही है वो 3 से कम नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो वहां पर प्लूरल यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो उसका ख्याल रखिए आप लोग, यहाँ पर जो तमीज आएगी वहां पर जमा मजरूर होगी। ओके, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, कम इब्नन लका या शेख, कम इब्नन लका या शेख, अस्मा जारा ने हाथ उठाया वो बताएं, उसका जवाब 6 के जरिए आपको जवाब देना है कि 6 मेरे बेटे हैं। बुक मिल गई विनाश। हाँ, ली सित्त तो अपना, तुम आगे बढ़ते, कम सवालन फी हाज़र दर्स,
अगर किसी को सवाल का प्लूरल ना पता हो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मुझसे पूछ सकता है। कौन जवाब देना चाहेगा? कम सवाल हम फी हाजर दर्स, कितने इस लेसन में कितने सवाल आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको जवाब में 8 बताना है। तस्नीम अब्बास से पूछते हैं। तस्नीम अब्बास, आपको अगर सवाल का प्लूरल नहीं पता हो तो मैं बता सकता हूँ, आप जवाब देंगे? सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने दर्स में कुछ भी नहीं सुना है, बहुत माजरा। चलिए कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। हाँ किसी और से कोई हाथ उठाने वाला है या नाम लिया जाए किसी का? ओके तो हम लोग इससे कौन जवाब देना चाहेगा? आरजू अस्मा आप लोग जवाब देना चाहेंगे? आरजू फातिमा हाथ उठा रही हैं। आरजू ने हाथ उठाया, आरजू बोले। कम सॉरी सॉरी हिंदी असामान्यत सवालातुन सवालातिन फी हाजर दर फी हाजर दर से नहीं इस लिस्ट में, तो आप उसके जवाब में फी है कह सकती हैं। मिसाल के तौर पर फी है से बात शुरू करें, फी है जी असामान्यत सवालातिन अस्एलतिन, अस्एला आता है उसका प्लूरल, अमूमन अस्एला यूज करते हैं। ओके अस्एलतिन। हां हां अहसनतुम जज़ाकुमुल्लाह। कम राकिबन फिल हाफिला, कितने पैसेंजर्स हैं बस में, आपको जवाब में 9 का जवाब देना है। अगर किसी को अदद याद ना हो तो मैं अदद भी बता सकता हूं, प्लूरल भी बता सकता हूं, आप लोग कोशिश करें। लेकिन कोई कोशिश करना चाह रहा है? राकिब का जो प्लूरल हम लोग ने अभी पढ़ा है वो ऊपर ही गुजरा है, रुकाब। तो निदा फातिमा से पूछते हैं, वो ट्राई कर सकती है। निदा, निदा फातिमा, राकिब का प्लूरल रुकाब आता है और 9 को अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, वरना आप कोशिश कीजिए। 9 को क्या कहते हैं, अभी हम लोग ने गिनती पढ़ी है ऊपर। जी जी तीस अतुन, तो अब बनाए इसको। कम राकिबन फिल हाफिला, तो फीहा कह दें आप, फीहा कह के फिल हाफिला कहने से बच जाएंगे आप। फीहा, वेरी गुड। फीहा तिस अतु रुकाबिन, अब ये सबके आखिर में सब मजरूर है लिहाजा आखिर में आपको डबल जेर देखने को मिल रहा है, याद रखें जो नाउन आ रहा है इन अदद के बाद तो उसको आपको आखिर में डबल जेर आपको देना है, ठीक, क्योंकि ये मुजाफने ले हो रहा है यहाँ पर। ओके कम रियालन फी जेबिका, आपके पॉकेट में कितने रियाल हैं, यानी कितने रुपये हैं, आप इसको अपनी जबान में समझ लें, तो आपको बताना है जवाब में 7। कोई है जवाब देने वाला? आरजू फातिमा, ओके ठीक है बताइए। मैंने हाथ नहीं उठाया था, पर मैं जवाब देती हूँ। फी सबातु रियालातिन है, रियूल होगा। नहीं नहीं रियालातिन ही आएगा, फी है सब अतो, रियाल का प्लूरल रियालात ही आता है। फी सबातु रियालातिन। जज़ाकुमुल्लाह। कम समनु हाज़ल किताब, आखिरी वाला जवाब में आपको है, कोशिश करें। आसिम साहब और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी आप अलग सा नाम लीजिए इन लोगों के अलावा। प्राइस, प्राइस क्या? मरियम जीवानी। समनो मीन्स प्राइस, कीमत। मरियम जीवानी से पूछते हैं। मरियम जीवानी कोशिश कीजिए। जो समन वमन छोड़ दीजिए, कम समन हाजिल किताब आप डायरेक्ट जवाब दे दीजिए, मिसाल के तौर पर समन हो भी रहने दीजिए, एग्जैक्टली आप बस फिगर बता दीजिए, वो वर्ड बता दीजिए चलेगा। अशरतु, अशरतु किताब को प्लूरल करना, आपको रियाल का प्लूरल रियालात कहने हैं, अशरतु रियालात, आपको पैसा बताना पड़ेगा ना, कोई भी करेंसी बतानी पड़ेगी। ओके समनहु या फिर समनहु ना भी कहना चाहे तो अशरतु रियालात। अशरतु मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? नो
आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ मौलाना आ रही है बहुत अच्छे से। ओके इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोगों को ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल है? नो ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो जवाब दें आप लोग तो लगेगा कि हाँ वही जवाब दो तो पता चले सब पूरा मुश्किल नहीं है। किन्होंने किसने कहा है कि मुश्किल नहीं है? कम से कम थोड़ी मुश्किल उनके लिए तो पैदा की जाए जी। ओके पूछेंगे हम भाई, आप सवाल का जवाब जरूर दीजिए इंशाल्लाह। उक्तबिल अदद, उक्तबिल अदद मिन सलासा इला अशरा वजअल कुल्ल मिन الكلمات العاديه معدودا لها। आपने हम लोग जो अदद पढ़े हैं सलासा से लेकर के अशरा तक, यानी सलासा तो अरबा तो इस तरह के जो हम लोगों ने अदद पढ़े हैं, उन तमाम अदद को इन तमाम वर्ड के साथ यूज करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किताब है, हम बोलेंगे सलासतो कुतुबिन, राइट, या सलासतो अखलामिन, या सलासतो तुजारिन। तो हर एक अदद को आपको इन तमाम वर्ड के साथ यूज करना है, सलासतो या फिर अरबातो कुतुबिन, अरबातो अखलामिन, अरबातो तुजारिन, इस तरीके से आपको बनाना है। तो हम एक वर्ड लेते हैं और कोशिश करते हैं। अच्छा इससे पहले किसकी आवाज आई थी, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ पहले शुरू करूँ। आसिम साहब पहचानते हैं आप? कोई मसला नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं। ज़ैन जामानी ने हाथ उठाया, शायद वही था। ज़ैन अगर आप We have to write the answer. Yes. हाँ बिस्मिल्लाह बताएं, बना के दिखाएं आप तमाम जो अदद हैं तीन से लेकर के दस तक की, उसको हर एक वर्ड के साथ बोल के दिखाएं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पढ़ के बताया सलासतो कुतुबिन, सलासतो अखलामिन, सलासतो तुजारिन, तो एक सलासा लीजिए और इन तमाम वर्ड के साथ बोल के बताइए। जी मैं कोशिश करता हूँ। जी सलासतो कुतुबिन, हाँ सही है, बोलिए मैं गलत होगा तो टोकूंगा। सलासतो अक्लामिन, सलासतो ताजिर का प्लूरल तुजार है, तुजारिन, सलासतो रिजालिन, अहसन तुम, सलासतो तुल्लाबिन, सलासतु रियालिन, रियालात, सलासतु अखिर्श का कुरूश बनेगा, कुरूश, कुरूशिन, सलासतु अखुन का इख्वतुन बनेगा, अखवान, अखवानिन, इख्वतिन, सलासतो इख्वतिन, इख्वतिन, सलासतो अबना, अबनानिन, इन, अहसन तुम, जजाकुमुल, जजाकुमुल्लाह। और कोई है जो तब आजमाई करना चाहेगा? खुद से हाथ उठाए तो अच्छा लगेगा, एक दो प्रैक्टिस और करते हैं ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। आसिम साहब कोई हाथ उठाए अगर आपको दिख रहा हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है वही पुराने है मगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई नया, कोई नए दे आंसर। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जिन्होंने अभी दिया है, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत जबरदस्त। किसी ने मरियम जीवानी ने हाथ उठाया, ठीक है इनसे पूछते हैं। हाँ जी मरियम जीवानी, सलासतो के बाद क्या कौन सी अदद आती है उसके साथ शुरू कीजिए आप इनको बनाना। अहसन तुम, अरबातो मुज़ाफ़ है लिहाज़ा तन्वीन नहीं आएगी, अरबातो, अरबातो कुतुबिन, अरबातो अक्लामिन, अरबातो तुज्जारिन, अरबातो रिजालिन, अरबातो तुल्लाबिन, अरबातो रियालातिन, अरबातो कुरूशिन, अरबातो इख्वतिन, अरबातो अबनाइन। अहसन तुम, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको करना किस तरीके से। तो सलासतो अरबातो खमसतो सित्ततो सबअतो समानियतो तिसअतो अशरतो, इन सब के साथ आपको करना है ये तमरीन, इस तरीके से आप लोगों को हल करनी है। आगे की तरफ बढ़े, आप लोगों को अशरतो के साथ तक करनी है इसे, अशरतो के साथ तक। अदरतु सात अशर अल कलिमातुल जदीदा, हमने जो नए वर्ड सीखे वो क्या है? अस्तमनो, समन यानी कीमत, प्राइस, निस्फ़ यानी आधा,
अर्रियाल, रियाल हम लोगों ने पढ़ा करेंसी का नाम है, जीम यानी उसकी जमा जो आती है प्लूरल रियालात, अल हाफिला, हाफिला यानी बस उसकी जो प्लूरल आएगी जमा रियालात, मैंने ऊपर चला गया हाफिलात, हाफिलतों की जो जमा आई है वो हाफिलात है, अस्तवाल उसकी जमा असलतुन यानी क्वेश्चन की जो जमा आएगी सवाल की वो असलतुन, अल बलद प्लूरल बिलाद, उरुब्बा यानी यूरोप, मलेशिया मलेशिया, अलमानिया जर्मनी, मुख्तलिफतुन डिफरेंट अलग अलग, फिर ऊपर से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अलयौम यानी आज का दिन, अमूमन इसको यौम होना चाहिए था नॉर्मल डे के माना में, उसका प्लूरल जो आता है अयाम आएगा, अलकिर्श उसकी जमा खुरूश आएगी, राकिब उसकी जमा रुकाब आएगी, कदीम खुदामा, अलजैब उसकी जमा जयू, बुस्निया एक कंट्री का नाम, अलयूनान यूनान भी एक कंट्री का नाम, किसी को कोई सवाल हो अभी तक, अगर कोई बात ना समझ किर्श मींस अलकिर्शो, हाँ किर्श जो है जैसे हमारे यहाँ 10 पैसा होता था एक जमाने में, इस जमाने में तो नहीं होता, अब तो 1 रुपया ही मौजूद है, वो पहले जमाने में होता था 10 पैसा भी होता था 20 पैसा भी होता था, तो किर्श समझ लीजिए कि 1 रियाल का 10 पैसा है यानी 10वां हिस्सा उसका, वाज़े okay. 10 बनेंगे तो 1 रियाल बनेगा, जेब यानी पॉकेट ओके और किसी का कोई सवाल आसिम साहब जी बोलो ना, दीमुन का जमा कदाम होता है ना, कदामा कदामा जी बोलो ना, मौलाना मैंने ना 5th वाले लेसन का लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था और मैंने आगे का लिखना स्टार्ट कर दिया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो की सॉल्यूशन है उसके अंदर लिखा है कि उसे खाली रीड करना है और उस और जो PDF है उसके अंदर अरबिक में लिखा है इकरा वो हाँ, तो आप उस पे लिखिए वहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा और उसके जो इंग्लिश का PDF में उसमें भी लिखा था कि खाली रीड करना है और PDF में लिखा भी अरबिक में भी और इंग्लिश में भी दोनों में लिखा है कि सिर्फ रीड करना है, तो क्या करना है? अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा, लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है शुक्रिया okay. जी मौलाना और किसी का कोई सवाल तो क्लास यही खत्म किया जाए या फिर अगला दर्स पढ़ा दो इन लोगों के पास टाइम है तो अभी टाइम कितना है अपने पास 20 ज्यादा तो नहीं है 10 मिनट 12-13 मिनट अगर सब सब एग्री करते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को क्योंकि अपने छुट्टियां ज्यादा हो गई हाँ छुट्टियां ज्यादा हो गई बस वैसे अगर पहले पूछ लेते हैं राय मशवरा पूछ लेते हैं वैला कल तो कल का जो दर्स है वो बहुत आसान है इसी से रिलेटेड है और उसके बाद एक दर्स जो छोटा है शायद हम लोग कल 2 कवर कर सकते हैं तो आप लोग ओके क्या किसी ने कुछ तहरीर किया था जिसको मतलब टाइम नहीं है वो हाथ उठाए प्लीज आरजू फातिमा शायद नहीं सॉरी वो हाथ पहले से उठा हुआ था ठीक है कल ही करते हैं कल करते हैं कल ही करते हैं जी जी, जी कल ही करते हैं खामोशी हर जगह इकरार के माना में नहीं होती है ओके तो आज के लिए यहाँ पर बस करते हैं इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोग तमरीन जरूर बजरूर करके आइएगा क्योंकि आप लोग अभी 2 दिन छुट्टी रही थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी पीछे की तमरीन और नहीं किया तो प्लीज क्योंकि ज्यादा हम लोग के पास लेसन बचे नहीं है खत्म होने वाली हमारी किताब 3-4 लेसन और हैं तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इसकी क्योंकि उसके लिए अलग चीजें हैं आपके लिए रखी गई जो लोग तमरीन कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे इस्तेफादा कीजिए और आप लोग तमरीन अपनी कंप्लीट कीजिए ओके वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Allah Hafiz.